तो भाई आज का वेदर देख लें, वेदर है पार्शली क्लाउडी और बहुत ही खूबसूरत वेदर है, ना गर्मी है ना सर्दी है इस वक्त, और धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई, और धूप ना निकली हुआ तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है गर्मियों में, खासतौर पे समर्स में यहाँ पे, क्योंकि अगर धूप हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुभने वाली धूप होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, और अगर इस तरह का वेदर हो तो बहुत ही मज़ा आता है ड्राइव का भी और जाने का भी कहीं पर। तो अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस की तरफ, और ऑफिस में आज बिजी डे गुजरेगा और हमेशा की तरह काम होगा, और ऑफिस से निकलेंगे तो आपसे मुलाकात होगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं और फीडबैक देते हैं अपनी, और आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि ईडन पार्क में हमने मैच देखा था वो इतनी ज़्यादा लाइक की, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उस वीडियो का। और जुड़े रहें मेरे इस चैनल से, और बहुत कुछ मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जी तो भाइयों, आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अगर आप न्यूली मूव कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे, रेजिडेंट वीजा पे, या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, और आप इसके लिए आजकल सर्च कर रहे हैं कि यार कौन सी चीज़ की क्या प्राइस चल रही है, कितने बजट में हमारा एक वीक गुजरेगा या एक मंथ गुजरेगा, और किस तरह हम इसको लेकर चलें, अपने प्लानिंग को लेकर चलें कि हम एक अच्छे ऑप्टिमम बजट में अच्छी शॉपिंग भी कर सकें। तो भाई देश जो है ये न्यूजीलैंड, ये है तो बहुत ही खूबसूरत, और खुदा ताला ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा और हसीन बनाया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के अतबार से ये दुनिया के वर्स्ट कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और एक बुरी खबर ये है कि अभी तक मैं ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ हूँ, और देखो कब ऑफिस पहुँचता हूँ यारो। तो भाइयों आज की वीडियो होने लगी है बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की, और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको न्यूजीलैंड मूव करने के हवाले से, ग्रॉसरी शॉपिंग के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको पहले कहीं देखने को नहीं मिली होंगी। साथ रहिएगा भाइयों, आज की वीडियो है बहुत ही शानदार और मज़ेदार, वीडियो में होने लगा है बहुत सा ज़बरदस्त और फन और मज़ा, और साथ साथ बहुत सी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम जा रहे हैं पैक एंड सेव, काउंटडाउन और न्यू वर्ल्ड, और इन ग्रॉसरी स्टोर्स पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कितने की मिल रही हैं, और कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली शॉपिंग देखने को मिलेगी। आज हम देंगे आपको प्राइस कंपैरिजन बिटवीन ऑल थ्री बिग ग्रॉसरी स्टोर्स इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और इस न्यूजीलैंड की शॉपिंग को देखिएगा, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी आपकी क्यूरीज हो, तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कॉमेंट्स में मैंशन कीजिएगा, और मैं आपको रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करने की भरपूर ट्राई करूँगा जल्द अज जल्द। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे ओझल नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप स्किप कर जाएं, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भी इंसान मूव होता है किसी दूसरे सिटी में या दूसरे किसी कंट्री में, तो बहुत सी हार्डशिप देखने को मिलती हैं, और ख़ासतौर पर जब पहले फ्यू मंथ्स होते हैं, पहले ज़िंदगी के कुछ ऐसे महीने होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही इकोनॉमिकल शॉपिंग करते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली शॉपिंग करते हैं, और बहुत सी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारे सब कॉन्टिनेंट पीपल का ये होता है कि वो लोग प्राइस कंपैरिजंस कर रहे होते हैं बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की प्राइसेस के साथ। आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि न्यू वर्ल्ड, काउंटडाउन और पैक एंड सेव में क्या डिफरेंस है। ये तीनों बिगेस्ट ब्रांड्स हैं यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग को लेकर, और जो बेस्ट और अच्छा स्टोर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल शॉपिंग, वो पैक एंड सेव है, इट कम्स ऑन नंबर वन, और नंबर टू पे है काउंटडाउन, और नंबर थ्री पे न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड नंबर थ्री पे इसलिए है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज सबसे कम होता है, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है, क्वालिटी मीट प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो भाई मौसम है आज क्लाउडी सा, और आज आपके लिए करनी है तीन जगह से शॉपिंग, और तीनों जगह पे प्राइस कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो इस क्लाउडी वेदर का फ़ायदा उठाते हैं। गर्मी थोड़ी कम है, समर सीज़न है, और ट्रैफिक रवा दवा है ऑकलैंड की सड़कों पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्ट्रेट हाईवे 20 आई गेस, और ये एक मोटरवे है, और इसके ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ पैदल, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, और गाड़ी की तरफ जाके आपसे मिलते हैं। मैं आपको एक देसी जुगाड़ भी बताऊँगा, और आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा ध्यान के साथ, और अपने कमेंट्स और फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। तो भैया चलते हैं अब अपने पहले ग्रॉसरी सुपरमार्केट में, और वो होगा
काउंटडाउन। तो भाई फाइनली हमारे सफर का आगाज हो गया है। अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी सुपर स्टोर्स में एनालिसिस करने प्राइसेस के बारे में, ताकि आपको बेहतर तौर पे पता चल सके कि यार न्यूजीलैंड की मूव आप कैसे कर सकते हो, और न्यूजीलैंड की मूव करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और कहाँ से क्या शॉपिंग करनी है भाई। और भाइयों मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने लगी है। भाई मैंने लगा लिया काउंटडाउन का मैप, काउंटडाउन हम पहुंचने लगे हैं 6 मिनट के अंदर, और आपसे मिलते हैं काउंटडाउन में और देखते हैं यार वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग हम कर सकते हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं, और कैसे हम अपनी जर्नी को प्लान करेंगे न्यूजीलैंड आने से पहले। तो मैं काउंटडाउन आ गया हूँ और अभी चलते हैं काउंटडाउन में और देखते हैं यार कि हमारी कितने की शॉपिंग होती है यहाँ से एसेंशियल आइटम्स की, और ताकि आपको आइडिया हो सके यार कि काउंटडाउन में आपने कितने की शॉपिंग की, और फिर हम इससे कंपेयर करेंगे कि बाकी स्टोर्स पे हमें कितने का यही सेम सामान मिलता है। भाई मैं ले रहा हूँ प्याज 1.2 kg, ये मैंने एक पैक डाल लिया इसका, ये मैंने रख लिया, और ये है $4 का। उसके बाद मैंने कैप्सिकम ले ली है एक पैक, और ये है $5 के, ठीक है। और आगे चलते हैं जनाब, तो ये डील लगी हुई है ओरेंजेस पे, ये मैंने ओरेंजेस का एक पैक ले लिया है 1.5 kg $4.5 का। आगे आ जाएं बनानास पे, तो बनानास हैं जनाब 3.45 पर केजी। यहाँ पे जनाब भाइयों केजी के हिसाब बनाना मिलते हैं, तो ये तकरीबन 1 kg बनाना है, ये मैंने रख लिया। उसके बाद जनाब अली आप बताएं, आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, क्या क्या लेना चाहते हैं आप बताएं मुझे। ऑरेंजेस हैं $8 पर केजी, लेकिन मैं नहीं ले रहा क्योंकि हमने एसेंशियल आइटम्स देखने हैं, कि एक वीक की ग्रॉसरी का मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और ये हमने दो फ्रूट्स लेनी है, ओनियंस लेनी है, कैप्सिकम ले लिए, और अब देखते हैं यार टमाटर, टमाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे देसी खाने तो टमाटरों के बगैर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, तो देखते हैं टमाटर कितने के मिलते हैं। हाँ जी ये है 4.80 पर केजी यहाँ पे, और ये मैंने एक पैक ले लिया टमाटरों का, और ये हैं जनाब 750 grams टमाटर, ये देखें 750 grams है, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, ये हमारा प्रोहिबिटेड एरिया है, हम यहाँ नहीं जा सकते, समझ तो गए होंगे ना भाइयों। और आलू प्याज मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, प्याज वैसे $2.50 पर केजी हैं, लेकिन वो 1.5 kg $4 में मिल रहे थे, वो मैंने लिए, वो अच्छे थे। और आलू हैं जनाब $3.50 पर केजी, 3.49 पर केजी आलू हैं, और आलू ले लेते हैं कुछ 1 kg आलू ले लेते हैं आई थिंक, जस्ट टू हैव अ लुक कि यार कितने के हमारी ग्रॉसरी होती है। और वहाँ से मैं पैक आलू उठा रहा हूँ, देखें 6.98 के 2.5 kg मिल रहे हैं, ये देखें ये मैं ले लेता हूँ। तो अभी अब आ गए हैं जनाब जूसेस और ड्रिंक्स की तरफ। बच्चों के लिए अगर आप ड्रिंक लें तो $5 अवेलेबल है जूस का पैक, 6 packs होते हैं इसके अंदर, टेट्रा पैक जूस, ये हम एक डाल लेते हैं जस्ट टू हैव अ लुक कि यार क्या बनता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा $6 वाले भी हैं, लेकिन हमने चूँकि एक ऑप्टिमम बजट में रहते हुए एक एवरेज निकालनी है कि हमें यहाँ से कितने डॉलर्स का सामान मिला है, तो इसलिए मैंने $5 वाला ही प्रेफर किया। आप इसको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से $6 तक भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद जनाब जूसेस, ये हैं जूसेस जनाब, ये 40% ऑफ पे लगे हुए हैं, $2 का ये जूस है 1 liter का, तो ये मैं एक डाल लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक डे की ग्रॉसरी, एक वीक की सॉरी ग्रॉसरी बता रहा हूँ, सो फॉर अ वीक आई थिंक 1 liter जूस का पैक ये ले लेते हैं, साथ कुछ और ले लेंगे, और वैसे भी बच्चों के लिए तो हमने टेट्रा पैक ले ही लिया है ये वाला। तो ये है जनाब यहाँ पे सी फूड का सेक्शन, सी फूड में हम ले लेते हैं जनाब, अगर हम बात करें एवरेज तो तकरीबन $31 से फिश स्टार्ट होती है, और 31 से लेके 44, 45 और $40 तक की भी फिलेज अवेलेबल है, ये देखें।
और इसमें आप देख सकते हैं ये सैमोन है 5190 की, सबसे अच्छी और रेयर फिश होती है, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है, और आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस वन, $39 अ केजी। तो हम 1 केजी फिश ले रहे थे। सो इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर, तो कॉफ़ी अवेलेबल है $12 से लेकर $28 तक, और उसके अलावा ये छोटे पैक्स भी हैं, $12 का भी है, तो हम इसको छोटे पैक को ले लेते हैं जस्ट टू गेट एन एवरेज। तो ये मैंने एक नेस्कैफे गोल्ड की कॉफ़ी ले ली है। अगर आप ब्रेकफास्ट में पीनट बटर वगैरह लाइक करते हैं तो पीनट बटर $6.90 का है, तो मैं सबसे चीप वाला ले रहा हूँ, चीपेस्ट प्राइस में ही 690 पे लगा हुआ, ये मैं ले रहा हूँ 380 grams। न्यूजीलैंड आए तो हनी आपने ना खाया तो क्या खाया, अगर आप न्यूजीलैंड आए और आपने हनी ना खाया तो क्या खाया। हनी यहाँ पे प्योर और नेचुरल होता है और यहाँ पे काफ़ी इकसाम होती हैं। मनुका हनी इज़ द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, इसके अलावा मल्टी फ्लोरल हनी भी है, मनुका डॉक्टर भी है, और कुछ और ब्रांड्स भी हैं। तो हम एक एवरेज ब्रांड का हनी ले लेते हैं जो कि ये मदर अर्थ का है, और ये $8 का है, और जनाब ये है 500 grams। सो इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस तो एक आध आपको चॉकलेट्स का पैक भी लेना चाहिए, क्योंकि इसको भी हम अपनी उस ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो ये मैं एक चॉकलेट पैक ले लेता हूँ जस्ट टू हैव अ आइडिया। तो ये $4 का है। यहाँ पे कैन टमाटो भी मिल जाते हैं जो कि रिप्लेसमेंट है आपके असली फ्रेश टमाटोज़ की, और ये थोड़ा सा चीप पड़ते हैं क्योंकि $1.30 का एक पैक है, और ये तकरीबन आधा किलो टमाटरों के बराबर इसके अंदर प्यूरी होती है। तो मैं एक ये भी ले लेता हूँ, बल्कि दो ले लेते हैं भाइयों, क्योंकि एक वीक में आपने किलो टमाटर तो कंज्यूम करना ही होते हैं। सो दिस इज़ द हलाल नूडल्स, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हलाल लिखा भी हुआ है, और हलाल नूडल्स का एक पैक है $5 का, तो मैं एक $5 वाला पैक ले रहा हूँ। बिस्किट्स की जहाँ तक बात करें तो कुछ डील्स पे लगे हुए बिस्किट, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बिस्किट नाइस का, और ये है $2.80 का, तो ये बिस्किट है 280 ईच। एक्सपेंसिव बिस्किट्स भी हैं जो कि $4 $4.80 और $3 की रेंज में भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमने एक एवरेज बिस्किट्स ले लिए हैं 2.80 पर पैक। आ जाते हैं हेयर केयर पे, शैम्पूस 33% ऑफ पे लगा हुआ है यहाँ पे, 1099 की बॉटल है ट्रेस्मे की, और इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो यार आपका जो फेवरेट शैम्पू है वो कितने का मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं फॉर द सेक ऑफ शॉपिंग और बजटिंग मैं एक शैम्पू यहाँ से उठा रहा हूँ ट्रेस्मे का। तो ये देखो जनाब हमारी शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये पड़ी हुई मेयोनीज़, मैं एक पैक मेयोनीज़ का भी ले रहा हूँ। तो पास्ता की काफ़ी यहाँ पे वैरायटी है और स्पेगेटीज़ भी हैं, तो एक स्पेगेटीज़ और पास्ता $4 का है, तो मैं एक पैक ले लेता हूँ स्पेगेटीज़ का और एक ले लेता हूँ पास्ता का। हैंड वॉश की काफ़ी वैरायटी है, 499, 489, 599, 269, डेटॉल वाला जो है ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये है 269 का, ये मैं एक उठा रहा हूँ। अगर माउथ वॉश लाइक करते हैं तो माउथ वॉश आपको मिलेगा $9 का। भी आओ पाकिस्तान से दवाइयाँ ज़रूर लेकर आना, ख़ास तौर पे पेनाडॉल, फ्लैजल, पैरासीटामोल और इस तरह की सारी दवाइयाँ, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ भाइयों देख लो प्राइसेस क्या चल रही हैं, 6.29, 599, 719, 599, इट्स अ हेल ऑफ मनी मैन। दांत तो साफ़ करने ही करने हैं, आप जहाँ पर भी हों, महंगे हों सस्ते हों, तो एक टूथपेस्ट उठा लेते हैं, $3.50 का मिल रहा है कॉलगेट ये वाला, तो ये मैं उठा रहा हूँ। फिर ऑलिव्स लगे हुए हैं, अगर ऑलिव्स खाने के शौकीन हैं आप तो ऑलिव्स आपको मिलेंगे 850 के, ये इंक्लूड मैं नहीं कर रहा अपने बजटिंग में, तो अगर आप लेकिन खाना चाहते हैं तो आपको 850 में मिलेंगे यहाँ पे प्योर ऑलिव्स, और ऑलिव्स की काफ़ी इकसाम है मेरे दोस्तों, इतने ज़्यादा ऑलिव्स की इकसाम है कि आपकी छुट्टी हो जाएगी लेकिन ऑलिव्स की इकसाम ख़त्म नहीं होंगी। ये ऑयल की काफ़ी वैरायटी लगी हुई है, कनोला ऑयल पर लीटर मिल रहा है, 750 ml की पैक है $5 का, और 1150 का पैक है 2 liters का, और 1070 का पैक है 3 liters का, तो मैं
वीकली शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लीटर वाला पैक उठा रहा हूँ, दिस वन कैनोला ऑयल। तो लेट्स पिक इट अप एंड पुट इट इन द ट्रॉली। तो ये पड़े में मिल्क, और मिल्क हम उठाते हैं 3 लीटर्स का, क्योंकि 3 लीटर मिल्क तो लग ही जाता है यार एक वीक में मिनिमम, भी अगर आप बजट फ्रेंडली वे में भी यूज़ करें, चाय पिए कॉफ़ी पिए। तो ये 6.29 का है 6 लीटर मिल्क। ओ सॉरी, दिस इज़ फॉर $7.49 एंकर ब्लू मिल्क। बॉडी वॉश और सोप्स की जहाँ तक बात करें तो 12.99 पे डील लगी हुई है, स्पेशल पे मिल रहे हैं डव के, तो मैं एक ही डव वाला उठा रहा हूँ। और ये मैंने उठा लिया बॉडी वॉश 1 लीटर का डव का। तो शुगर में उठा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1.5 kg, जो कि $4 की है, 3.99 जिसकी प्राइस लिखी हुई है 3.99। और ये मैंने शुगर उठा ली, वाइट शुगर मैंने रख ली 1.5 किलो। और देखो अब तक ये सामान हम ले चुके हैं भाइयों, ये देखें जनाब हमारी ट्रॉली कितनी हरी भरी लग रही है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको भी नसीब करे, जब भी आप यहाँ पे आएँ आपकी ट्रॉलियाँ भी भरती रहें इसी तरह, और आप खाते पीते रहें, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो ये हैं भाइयों नेंडोस के सॉस, और ये सारे हलाल होते हैं, और ये $9 पे आपको मिलेगा, और $9 का 250 grams है, और मैं इसको अपने बजट में इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ लग्जरी। और केचप अगर लेना है तो केचप अपने बजट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, टमाटो सॉस केचप। तो ये टमाटो केचप मिल रहा है $3.70 का, तो मैं ये केचप उठा रहा हूँ। इंडियन मसाले लगे हुए हैं, बटर चिकन, स्पाइसी कोरमा, पेस्ट, टिक्का मसाला, ये 850 के मिलते हैं, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी फैमिलीज मेरे ख्याल में ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हम लोग शान और नेशनल के मसाले यूज़ करते हैं जो हमें इंडियन स्टोर से मिलते हैं। लेकिन जस्ट टू हैव अ लुक आपको इतने का मिल जाएगा। और ये रेडीमेड खाने हैं, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, बॉम्बे बिरयानी, दिल्ली दाल मखनी, मटर पनीर, और बाकी सारी चीज़ें। इसको आप माइक्रोवेव करें और ये रेडी हैं, चना मसाला और ये सारा कुछ, ये रेडी 1 serving ऑफ ईच आइटम है, और ये 4.30 के मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा अपने बजट में। डेयरी सेक्शन में मौजूद है बटर मिल रहा है यहाँ पे $4.50 का ये वाला, और ये एंकर का बटर है जो कि अच्छा बटर है, 450 पे मिल रहा है 25% ऑफ। वैसे सेम बटर की प्राइस 695 भी है, $5 भी है, 690 भी है, और मुख्तलिफ इकसाम के काफ़ी बटर्स मौजूद हैं, लेकिन हम ऑन एवरेज एक नॉर्मल और इकोनॉमिकल बटर लेंगे जो कि 450 वाला है, जो कि ये वाला है। यो अंडे भी आ गए, अंडे सबसे इंपॉर्टेंट हैं सुबह नाश्ते के लिए, तो अंडे $11 के मिल रहे हैं आपको ये वाले 12 eggs, तो एक दर्जन अंडे हैं $11 के, और नीचे जो है 30 का पैक लगा हुआ है $30 का। आटा हम लोग लेते हैं भाई इंडियन स्टोर से, लेकिन यहाँ पे भी आटे की काफ़ी वैरायटी मौजूद है। प्लेन फ्लोर ये आपको 1.5 kg मिलेगा $2.40 का, और ये वाला वो आटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर $2.20 का है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड ग्रेड आटा 5 kg जो है फ्लोर वो है $12.30 का, ये नीचे लगा हुआ है ये देखें। तो ब्रेड देख लो भाई कितने की मिल रही है यहाँ पर, 7.50 की दो, और ये 3.79 की सिंगल ब्रेड, और ये 2.40 की ब्रेड है, और दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रेड इन काउंटडाउन विच इज़ वीट मील स्लाइस ब्रेड 1.19, $1.19 की। तो ये हम एक उठा लेते हैं। तो भाइयों ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, इनको आप सिर्फ टमाटर भुने, मसाला भुने और इसको यूज़ करें, ये आपको मिलेंगी 3.80 पर kg, और ये रेंज की स्टार्ट होती है 3.80 और 4.50 तक जाती है। इसकी काफ़ी इकसाम है जो कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा, 11.29, 9.90, टेस्टी चीज़, कॉल्बी चीज़, माइल्ड चीज़, और चीज़ के स्लाइसेस भी मिलते हैं भाइयों जो आप बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, बीफ बर्गर में पैटी डालने के बाद ऊपर चीज़ रख के सैलड डाला जा सकता है, तो वो स्लाइसेस आपको मिलते हैं 12 सिंगल स्लाइसेस $5 के, विच इज़ एग्जैक्टली $4.89, और ये सब चीज़ की ही वैरायटी है भाई। 700 ग्राम नेट वेट है इस चीज़ का, और इस चीज़ ब्लॉक की प्राइस है 6.99 दिस वन, तो ये हम एक इंक्लूड करते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो देखी नहीं अभी तक, वो है कपड़े धोने का सामान। कपड़े धोने के लिए आपको चाहिए डिटर्जेंट और साथ सॉफ्टनर, और उसके अलावा आपको एक और चीज़ भी चाहिए, वो है क्या, डिश वॉशिंग के लिए आपको डिश वॉश लिक्विड भी चाहिए, तो वो देखते हैं। तो ये है हमारा सर्फ, $5 का मिल रहा है 1 kg का पैक, $20 ऑफ है इस पर, और जो बड़ा है 3 kg का वो है $16.99, और नीचे लगा हुआ है ये वाला क्लीन का
ये 750 का मिल रहा है 2 kg। और ये VIP है, ये $27 का लगा हुआ है 4 kg का पैक या और पर्सिल का 780 का है 1 kg का। दिस वन फ्रेश फ्रूट्स हैं जो आप अपनी स्मूदीज में, जूसेस में और शेक्स में यूज़ कर सकते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड $7 टिल $13। तो ये है भाइयों आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो है वो $5 का 2 liters का पैक है, ये वाला चॉकलेट और वनीला में है और ये चॉकलेट में है, दिस वन। सो दिस इज़ $5। और उसके अलावा यहाँ पे जो रेंज है वो 630 भी है और जो टिप टॉप की आइसक्रीम है वो 830 की भी मिलती है। तो डिश वॉशिंग लिक्विड्स की जहाँ तक बात करें तो हमने करनी है इकोनॉमिकल शॉपिंग। तो इकोनॉमिकल शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वाला लेते हैं, ये सबसे सस्ता है। 1 liter डिश वॉशिंग लिक्विड है $2.80 का, दिस वन। तो ये मैं एक उठा रहा हूँ। ए भाई, आप जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे थे, परेशान नहीं होना भाई, ये हैं आपके डिश वॉशिंग लिक्विड्स जो कि शुरू होते हैं 280 से और इस पे है 30% ऑफ। और जो बड़ा पैक है 1.3 लीटर्स का वो है $6 का पामोलिव का। और जनाब मॉर्निंग फ्रेश की अगर बात करें तो मॉर्निंग फ्रेश 400 ml जो है वो 350 का है और जो बड़ा वाला मॉर्निंग फ्रेश है वो $6 का है और उसमें 900 ml है। अलावा अगर आपने मोर्टीन वगैरह लेना है मच्छर मक्खियाँ मारने के लिए तो वो आपको मिलेगा $6 का। मैं आपको दिखा देता हूँ टावल्स की प्राइस है, $6 के 4 pack का टावल है ये और ये आपको $6 में मिलेगा, 4 rolls हैं इसके अंदर। और जो मोस्ट इकोनॉमिकल टिश्यू टावल्स हैं यहाँ पे वो हैं ये एसेंशियल्स ब्रांड के, ये काउंटडाउन का अपना ब्रांड है और ये $8 के मिल रहे हैं 8 packs, यानी कि $1 का आपको पड़ेगा एक। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाइयों आप लोग जो हैं गुजारे वाला काम करेंगे तो इसलिए मैं दूसरे वाले टिशू बॉक्स फेस टिश्यूज़ या टावल्स की तरफ नहीं जा रहा। सो टॉयलेट रोल्स की जहाँ तक बात करें तो 12 टॉयलेट रोल्स जो हैं वो मिल रहे हैं $3 के, दिस वंस। तो ये एक उठा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा और काउंटडाउन की शॉपिंग भी आपको पसंद आई होगी और स्टोर टूर भी आपको अच्छा लगा होगा। और इन तमाम आइटम्स की प्राइसेस भी आपको मेंशन कर दी है मैंने और इन द एंड मैं आपको बिल भी बताऊंगा कि यार कितने पैसे हमारे लगे हैं काउंटडाउन के अंदर इस सामान को लेने के लिए। तो हमारी शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट, ट्रॉली में सब कुछ डाल लिया है और अभी मैं इसकी फाइनल कैलकुलेशंस करूंगा और फाइनल कैलकुलेशन करके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि यार हमारे कितने पैसे लगे हैं। वैसे मैंने इंडिविजुअल आइटम के साथ हर आइटम की प्राइस भी आपको मेंशन कर दी है। दोस्तों, आपको ये टूर पसंद आया होगा काउंटडाउन का और आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कितना पैसा की रिक्वायरमेंट है अपने वीकली ग्रॉसरी के लिए यहाँ पे। और काउंटडाउन यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स में एक स्टोर है और यहाँ पे क्वालिटी एसेंशियल्स मिलते हैं आपके लिए एवरीडे। और इसके अलावा जो स्टोर्स पैक एंड सेफ और न्यूबर्ड का मैं बता रहा था तो पैक एंड सेफ इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वन। और ये कोक वनीला और ये कोक की मिंट फ्लेवर भी आगे लगा हुआ है और ये कोक ज़ीरो शुगर और ये है स्प्राइट 2 for $5 1.5 liter। बेवरेजेस जो हैं वो मैंने काउंट नहीं किए अपनी ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर क्योंकि वो आप ऑन एंड ऑफ लेते रहेंगे और वो कितने एसेंशियल नहीं है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। पानी भी ठंडा ठंडा पियेंगे समर्स में तो मज़ा आएगा, यहाँ का पानी है 100% प्योर वाटर। तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्राइस यहाँ पे है जो इनके लोकली मेड है काउंटडाउन के, वो $1.40 से स्टार्ट हो जाती है। ये सारे जो बेवरेजेस आप देख रहे हैं ये $1.40 की रेंज में है। और ये स्पार्कलिंग वाटर जो है 199 का है और ये फ्लेवर्ड है 199 में। उसके बाद ड्यू $4 की है 1.5 liters, 7 up $4, 1.5 liters, पेप्सी $4, 1.5 liters। और ये पेप्सी के मुख्तलिफ टेस्ट हैं यहाँ पे। और ये फेंटा है $5 की, स्पेशल लगी हुई है $2 for $5। तो दो फेंटाज आपको मिलेंगी 1.5 liter की $5 में। और ये लिफ्ट है ये 4.99 की 2.25 liters है। और 2.25 liters की जितनी भी हैं वो 4.99 की लगी हुई हैं। और पेप्सी जो है उस पर स्पेशल चल रहा है 3.80 की एक पेप्सी है 2.25 liters की। तो ये है सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। ये देखें जनाब, मिंट लगा हुआ है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मिंट मार्गरिटा पिए आप इससे। और ये है $4.50 का एक पैक। देखें ये है जी मिनरल वाटर, कीवी ब्लू का मिनरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर 1.2 का एक बॉटल है 1.5 liter की।
लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई लेता होगा या कंज्यूम करता होगा। ये सब उसी वक्त ही कंज्यूम होती हैं चीज़ें जब आपका कोई वहाँ पे आउटडोर फंक्शन हो, इवेंट हो, पिकनिक पे आप जा रहे हो, तो ये वाला वाटर आप लेके जाते हैं। वरना यहाँ का वाटर न्यूजीलैंड क्लेम करता है कि प्योरेस्ट वाटर है दुनिया का और 100% प्योर वाटर है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़। आप हेल्थ कॉन्शियस है भाई हो तो प्रोटीन बार्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको और लो कैलोरी मिल्क बार्स मिल जाएंगी और ये सब प्रोटीन रिच चीज़ें और जिसमें कार्ब्स की मिकदार कम होती है। तो ये था जनाब हमारा छोटा सा टूर काउंटडाउन का और काउंटडाउन में आपको सारी मैंने एसेंशियल आइटम्स की ग्रॉसरी लिस्ट दिखाई और बताई भी कि कितना आपको बजट एस्टिमेट करना चाहिए अपनी वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मैं सोच रहा था कि आज ही आपको सारा टूर दे दूँ पैक एंड सेव का भी और न्यू वर्ल्ड का भी, लेकिन मुझे लगता है इतना मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे 2 आवर्स लग गए हैं सिर्फ काउंटडाउन को देखते हुए और काउंटडाउन में चीज़ों को डालते हुए और आपको दिखाते हुए। तो भाइयों आप सोच रहे होंगे आप काउंटडाउन से तो आ गए, पैक एंड सेव कहाँ है, न्यू वर्ल्ड कहाँ है, तो भाइयों रुको जरा सबर करो, अभी हम चलते हैं न्यू वर्ल्ड में। मेरे साथ साथ रहें, व्लॉग को एंजॉय करें, कमेंट्स और फीडबैक दें और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं भाई। भाइयों अभी मैं आ गया हूँ न्यू वर्ल्ड में, मेरे पीछे है न्यू वर्ल्ड, अभी चलते हैं न्यू वर्ल्ड के अंदर और सेम आइटम्स को देखते हैं कि उनकी क्या प्राइसेस हैं और यहाँ पे हमें कितने के यही सेम आइटम्स मिलते हैं जो हमने काउंटडाउन में परचेज किए। तो भाई यहाँ पे मिल रहे हैं आलू और आलू पोटैटोज़ मिल रहे हैं 9.99 के और ये आलू भी ले लेते हैं भाई। ऑरेंजेस मिल रहे हैं यहाँ पे 7.99 का पैक, सेम ऑरेंजेस का पैक जो हमें वहाँ पे मिल रहा था इससे सस्ता, तो ये रख लेते हैं। और भाई चीज़ लगी हुई है 12.99 की, वो भी डील पे यहाँ पे, और ये चीज़ की प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पे। भाई वो डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आपके सामने हैं, यहाँ पे जो सबसे सस्ता बटर है वो मिल रहा है 5.99 का जो कि एक्सपेंसिव है भाई। टिप टॉप आइसक्रीम यहाँ पे मिल रही है $7 की, वहाँ पे थी $8.5 की आई गेस, दैट्स अ गुड डील। तो वाइट शुगर भाइयों लगी हुई है यहाँ पे 3.79 की और बड़ा पैक लगा हुआ है 8.49 का, बड़ा पैक है आपका 3 kg का और छोटा पैक है 1.5 kg का। और फ्लावर की बात करें तो 249 का फ्लावर है प्लेन फ्लावर और वोलमीट फ्लावर है वोलमीट फ्लावर 269 का, दैट्स अ गुड प्राइस एक्चुअली, और ये है 269। देखो भाइयों सेम जूस जो $2 का लगा हुआ था काउंटडाउन पे यहाँ पे है 349 का और जो बड़ा पैक है वो है 499 का जो वहाँ पे मेरे ख्याल में $4 का था। तो भाई कोक मिल रही है यहाँ पे, 2 कोक्स मिल रही हैं 650 की और यहाँ पे डील लगी हुई है 650 पे 2 कोक्स मिल रही हैं। और बाकी स्प्राइट और 1.5 लीटर स्प्राइट 449 की है और फेंटा 1.5 लीटर 449 की है और L&P 650 में मिल रही है और पेप्सी के ऊपर डील लगी हुई है $2 for $6। और ये हैं रेडी मेड मसाले इंडियन, मैंने मेरे ख्याल में काउंटडाउन में भी आपको दिखाए थे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि क्या प्राइसेस थी वहाँ पे और यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। इनको मैं काउंट नहीं करता एसेंशियल आइटम्स के लिए, प्राइसेस देखते जो भाई मैं इनको एसेंशियल आइटम काउंट नहीं करता इसलिए मैं नहीं डाल रहा। ऑलिव्स मिल रहे हैं क्लब डील पे लगे हुए हैं ये वाले, दीज वंस 529 का पैक है, दैट्स अ गुड प्राइस फॉर द ऑलिव्स। और पास्ता वहाँ पे जो प्राइस थी उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा है प्राइस, $6.39 और ये वाले जो पास्ता हैं $7.89 पे हैं और स्पैगेटीज जो हैं वो 2.79 में। और ये भाइयों लगा हुआ है एंकर मिल्क जो कि 2 लीटर है और वो है मिल रहा 5.03 का, वहाँ पे मेरे ख्याल में $6 something का मिल रहा था 3 लीटर्स, तो इट्स अ कॉस्टली प्लेस। पीनट बटर $7.19 का,
सेम पीनट बटर जो हमने वहाँ पे देखा था $6 समथिंग का। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्या कंपेरिजन हैं, और मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दूंगा इस वीडियो के एंड पे भी। नूडल्स यहाँ पे हलाल वाले नहीं अवेलेबल, और उसके जो सब्स्टिट्यूट नूडल्स हैं वो तकरीबन आपको $7 में मिल रहे हैं। तो जनाब ये हैं जी क्रश टमाटोज, और यहाँ इनकी प्राइस है $2.09, और ये डाइस टमाटोज़ हैं इन जूस $1.29, $1.49 के भी हैं, और चेरी टमाटोज़ हैं $3 के, विच इज़ काइंड ऑफ सेम प्राइस एज कम्पेयर टू कॉम्बो। और ये बाकी चीज़ें हैं, इसकी प्राइस आप पॉज करके देख भी सकते हैं। किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, रेड बीन्स, मिक्स बीन्स, ब्राउन लेंटल्स, रेड किडनी बीन्स, मशरूम्स, और बाकी तमाम चीज़ें। अगर आप फिश और सी फूड लाइक करते हैं तो टूना फिश के स्लाइसिस के कैंस भी मिल रहे हैं $3-$5। आइसक्रीम डील्स लगी हुई हैं, समर है इसलिए आइसक्रीम पे काफ़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, और $8.99 के ये बॉक्स मिल रहा है आइसक्रीम का, और ये $6.99 की टिप टॉप पे मिल रही है, और $6.49 की यहाँ पर सबसे सस्ती आइसक्रीम है वनीला के अंदर ये जो पड़ी हुई है, तो वहाँ पे थी मेरे ख्याल में $5। बिस्किट्स भी डील पे हैं जनाब, पॉपकॉर्नस $4.99 का पैक है जिसके अंदर आपके 250 ग्राम्स के इसका नेट वेट है, और इसके अंदर मेरे ख्याल है 4 या 5 सैशेज होते हैं, 3 सैशेज या 4 सैशेज होते हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल की तरफ आएँ तो फ्रोज़न वेजिटेबल में $5.49 के बेबी पीज़ मिल रहे हैं, $4.89 के आपको मिल रही है ब्रोकलीज, और इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल है $5.19 की, ठीक है, और मेरा ख्याल है वहाँ पे $3.5 से स्टार्ट हो रही थी, तो बिट एक्सपेंसिव बट ओके, लेकिन चूँकि बजट डील आपने बनानी है तो आई रिकमेंड कि अभी तक काउंट डाउन अच्छा जा रहा है। ये है हमारी स्मूदीज़ के लिए फ्रूट्स, फ्रोज़न फ्रूट्स की वैरायटी, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं यार कौन सा फ्रूट आपको पसंद है और क्या प्राइस चल रही है उसकी। भाइयों वीडियो कैसे लगा आपको न्यू बर्ड का टूर मुझे जरूर बताइएगा। न्यू बर्ड हमने कंपेयर कर लिया, काउंटडाउन कंपेयर कर लिया, अब रह गया पैक एंड सेफ। पैक एंड सेफ हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल शीट के साथ कंपेरिजन दूंगा कि कौन सी जगह हमारे लिए बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरी शॉपिंग। और ये कॉलगेट टूथपेस्ट आपको मिल रहा है $3.89 का। सो न्यू बर्ड की प्राइसेस जनरली स्पीकिंग ज़्यादा है जी। तो भाइयों डेटोल वहाँ पे मिल रहा था हैंड वॉश $2 समथिंग का, यहाँ पे $4.99 का। प्राइसेस देखते जाएं, एम्पीरियल लेदर सोप आपको मिल रहा है $7.89 का, और उसमें है 6 बार्स, और शैम्पू और बॉडी वॉश ये नीचे लगे हुए हैं, ये देखें ये वैल्यू वाला जो पैक है ये वाला, इट्स अ नॉर्मल ब्रांड, बिलो पार ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, नॉर्मल सा है, और जो अच्छे ब्रांड्स हैं जो हमने वहाँ पे भी देखे थे डब वगैरह वो यहाँ पे $12.99 के लगे हुए हैं, जो कि आई थिंक सेम प्राइस है, आई थिंक वहाँ पे भी इतने ही गई थी, और बाकी प्राइसेस जो हैं आपके सामने हैं, लेकिन ये $12.99 पे यहाँ पे डील पे लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे ये देखें $16.59 का था, अगर आप इसको देखें जूम करके आपको दिखाता हूँ, सेफ 3.60 और एक्चुअल प्राइस थी $16.59। पैंटीन आपको मिल रहा है $20.99 का, और हाँ ट्रेस में हमने वहाँ पे देखा था $10 समथिंग का, यहाँ है $16.99 का। तो कौन से चिप्स आपको पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, कौन से चिप्स आपको अच्छे लगते हैं, इनकी प्राइसेस भी आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं क्या क्या प्राइसेस हैं इनकी, और मोस्टली ये सब डील पे हैं आज, तो मोर लेस द सेम प्राइस बट आई थिंक बेटर देन काउंट डाउन, क्योंकि ये सब डील पे हैं और न्यू वर्ल्ड की डील्स भी अच्छी होती हैं। तो भाइयों कैसा लगा आपको न्यू वर्ल्ड और काउंटडाउन का टूर, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टूर बहुत पसंद आया होगा, और ये रियली हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग प्राइसेस को कंपेयर करना चाह रहे थे और जो देखना चाह रहे थे यार कि कौन से आइटम्स कितने के मिलते हैं न्यूजीलैंड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अपने कॉमेंट्स और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरा काम है आपके लिए कॉन्टेंट बनाना और आपका काम है उसे लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं पहुंच गया हूँ घर,
और आज मैंने कवर किया न्यू वर्ल्ड और काउंटडाउन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपको प्राइस का आइडिया ज़रूर हुआ होगा और आप एस्टिमेट कर सकते हैं अपने बजट को अकॉर्डिंगली, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और जितने भी लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी क्यूरी हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की भी भरपूर कोशिश करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं दूंगा आपको प्राइस कंपैरिजन ऑफ पैक एंड सेफ, जो कि जनरली बेस्ट स्टोर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल शॉपिंग इन न्यूजीलैंड। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।